आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टरेट में सौंपा ज्ञापन। सिवनी जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कचहरी चौक अम्बेडकर पुतले के समीप हड़ताल पर बैठी, उसके बाद 3 बजे ज्ञापन सौंपा। जितना काम उतना दाम के नारे के साथ वेतनमान बढ़ाने के नारे लगाए। मांग पूरी न होने पर काम बंद करने की चेतावनी भी दी। राजकुमार ठाकुर, संवाददाता सिवनी। आप ये चौक पे धरना पे बैठे हैं, हाँ, किस विषय को लेके बैठे हैं? हम लोग, हमारी बहुत सी मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सहायिकाओं की। जो सबसे पहली मांग हमारी, तो नियमित किया जाए, जो हमको सरकार ने नियमित नहीं किया। दूसरी मांग है हमारी, पोषण ट्रैकर ऐप है जिसको बंद करवाया जाए। इसका हम, जिसने शिक्षा विभाग ने इसका अवहेलन किया है, हम भी चाहते हैं कि हम भी वो ना करें, तो इसका, इसको बंद किया जाए। तो ऐप को बंद करने का कारण, ऐप से क्या नुकसान है? बंद करने का कारण ये है कि कार्यकर्ताएं 8वीं 5वीं पास हैं और 11वीं 12वीं भी पास हैं, परंतु वो उस पर हमको काम नहीं करना। सरकार ने मोबाइल देने कहा था कि 10,000 का मोबाइल देंगे, 500 रुपए रिचार्ज देंगे, परंतु वो भी नहीं मिला। तो मोबाइल आया है हमको, ना मोबाइल चाहिए और ना बैलेंस चाहिए। नहीं तो ये नहीं, ये जो मोबाइल की आप जो बात कर रहे हैं, वो मोबाइल यहाँ तक आया है? नहीं, या कुछ आदेश हुआ है? सबने, कार्यकर्ताओं ने अपना बैलेंस बचा करके मोबाइल खरीदवाया गया। अगर जिस कार्यकर्ता ने नहीं खरीदा तो उसको बुलाया गया कि आप खरीद क्यों नहीं रही है, आप किसी का भी मोबाइल लीजिए और काम कीजिए। तो ये राशि मोबाइल के लिए आई कि नहीं आई? नहीं आई अभी तक। नहीं आना थी क्या? आना थी, पर हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आप? नहीं चाहिए। हम सभी रजिस्टर में ही काम करेंगे। अच्छा, आपको पेन कॉपी से काम करना है? हाँ, मोबाइल ऐप से नहीं करना? नहीं करना। उसका कारण? उसका कारण ये है, कार्यकर्ताओं से नहीं बनता है, कार्यकर्ताओं से मोबाइल चलाते नहीं बनता है। दूसरी चीज, अगर उसमें गलतियां होती हैं, उस पर शासन उन पर कार्रवाई करता है। अगर आपके मैम सैम के बच्चे हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपसे गलती से 12 बच्चे भर गए, आपका तुरंत बुलावा हो जाता है। इस पर हमको, उस पर काम नहीं करना है। और उसमें हमारी पूरी गतिविधियां दिखाई जाएंगी। जब शिक्षा विभाग ने बंद किया, तो हम भी चाहेंगे कि हमारा विभाग भी ये काम नहीं करे। अच्छा, ये जो आपकी आज की लड़ाई है, ये आप कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे? कलेक्टर सर को भी ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री सर को भी ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री सर को भी ज्ञापन देंगे। इसके बाद यदि आपका कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे? तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आज कितने दिन? 1 दिन के लिए? अभी 2 दिन का है अनिश्चितकालीन हड़ताल, कल से शुरू फिर है। ये आपके पूरे ग्राम, मतलब सिवनी जिले में? सिवनी जिले की। इसके अलावा बाहर हो रहा है क्या? पूरे मध्य प्रदेश में है, 2 दिन का तो पूरे मध्य प्रदेश में है, और जो अनिश्चितकालीन है वो भी 15-16 जिलों में बैठ रहे हैं। थैंक यू।